हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कुसुम शर्मा। फ्रेंड्स, तो कली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं इस पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। इसका नाम है टुडे टुमारो यस्टरडे। ये प्लांट्स मैं पिछले साल ख़रीद के लाई थी और ये मिला था हम मेरे को 180 रुपीज़ में। और ये देखिए अब काफ़ी अच्छा हेल्दी हो रहा है बड़ा। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स ऐसे फ्लावर आते हैं, ये वाले खूब सारे गुच्छों में आते हैं ये फ्लावर। ये इसकी ब्रांच इतनी लंबी होगी कि ये जमीन पे गिरने लगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ, इस फ्लावर को। तो इस टाइप के फ्लावर आते हैं ये। पहले दिन हल्के पर्पल होते हैं, फिर डार्क हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वाइट हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम टुडे टुमारो यस्टरडे है। 3 दिन का आपको मज़ा देता है, 3 दिन का कलर अलग अलग कर लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इस पौधे से बहुत सारे पौधे बनाऊंगी, कटिंग करूंगी इसकी। मैंने इस पर गुटी तो नहीं बंधवाई थी क्योंकि अभी थोड़ा हेल्दी नहीं था ज़्यादा ये। तो मैंने सोचा कि चलो इससे मैं कटिंग ले लेती हूँ। तो मैं थोड़ी सी कटिंग ले लूँगी इससे, और मैंने 2 कटिंग और भी की थी, वो चल गई हैं। अभी दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसी में लगा दी थी, मैं इसी में उसी पॉट में लगाती थी इसकी कटिंग। जो प्लांट होता है ना उसी की कटिंग उसी में लगा देती हूँ ताकि पहचान रहे। वैसे तो इसको हम पहचान ही लेते हैं पर अच्छा रहता है। उसमें ये रहता है कि स्नेल बहुत आते हैं, यहाँ पर पौधे को खा जाते हैं, इतने स्नेल होते हैं ना यहाँ पर। देखिए छोटे 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 ये वाले, ये देखिए कितने स्नेल होते हैं ना, पत्तियों को खा देते हैं। बड़ा वो करना पड़ता है बचाओ। तो फ्रेंड्स देखिए ये बर्ड्स आ रही है ना, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, इतने फ्लावर आते हैं। देखिए ये डार्क वाला पर्पल निकलेगा जब खिल जाएगा, तो बहुत सारे फूल आते हैं इसके ऊपर। और फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने पहले भी की थी इसकी कटिंग, ये वाला पौधा ना, इसकी कटिंग की थी मैंने, ये लगाई है, हल्की हल्की सी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं, है ना। ये देखिए ये वाली लगा लूँगी अब मैं। ये कटिंग ले ली है, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया साइड से, और मैं इसमें लगा दूंगी। मिट्टी में 1/2 इंच भी चले जाए तो काफ़ी है। ये देखिए इतनी ऊपर आ रही है। और मैं इस ये भी ले लूँगी क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से एक कटिंग और ले लेती हूँ ये वाली। इस पर फ्लावर आ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ रही हूँ, चलो फ्लावर आ जाए। और मैं ले लूँगी एक कटिंग, मैं इसकी ले लूँगी क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी अच्छी ब्रांच है, तो एक इसकी ले लेती हूँ। ये देखिए एक ही ले लिया है मैंने, 3-4 कटिंग मैं इससे ले लूँगी और 2 कटिंग मेरी इस दूसरे वाली से हो जाएगी। इस तो दोनों से हो जाएगी। मैं कम से कम इसमें 10 कटिंग लगा देती हूँ और 10 में से 7-8 तो चली जाएंगी, तो कभी कभी तो 10 भी चल जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि 8-7-8 से कम तो नहीं चलेंगी, और अगर ठीक से लगे तो 100% भी चल जाती हैं। तो फ्रेंड्स बताइए मेरा ये तरीका कैसा है, मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपको, और थोड़ा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।